show this or like this color? No. Very bright color. Hey guys, welcome back to my channel, Dr. Faraiz here. उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में दिखाया था कि मैंने अपना हेयर कट लिया है, आप देख सकते हैं। आज मैं जा रही हूँ केराटिन ट्रीटमेंट लेने के लिए और अपना हेयर डाई करवाने के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी ये सब कुछ अपने इस ब्लॉग में। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दो। मेरे बालों का टेक्सचर देख रहा था और मैं पूछ रहा था क्या था नीचे से मेरे बाल स्ट्रेट है, मैं थोड़े से ऊपर से स्ट्रेट करने की जरूरत है। You show this or like this color? No. Very bright color. तो गाइस मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लगा ये। सबसे पहले मैं जो प्रोडक्ट यूज करूँ ना स्ट्रेटनिंग के लिए वो है इसका नाम लेना नहीं आता। उसी कंपनी का मैं स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट यूज़ करूँगी और उसी कंपनी का मैं हेयर डाई यूज़ करूँगी। सो गाइज, ये है स्ट्रेटनिंग क्रीम और केराटिन ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप, जो कि ये क्रीम 30 मिनट्स के लिए मेरे बालों में अप्लाई की जाएगी। नाउ ही इज़ मेकिंग सेक्शंस ऑफ माय हेयर्स ताकि क्रीम जो है ईजिली अप्लाई की जा सके। बेसिकली मेरे सारे बालों को स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे से मेरे बाल ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं, जस्ट रूट्स को थोड़ा सा स्ट्रेट करना पड़ेगा। सो मेरे बालों को क्रीम लगाना स्टार्ट कर दिया इसने। गाइस, आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो आप स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते हैं वो हमेशा रूट्स को थोड़ा सा छोड़ के लगाई जाती है, क्योंकि अगर आप रूट से बिल्कुल डायरेक्ट उसको स्टार्ट करेंगे तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा गैप दे के इसकी क्रीम को अप्लाई किया जाता है। सो गाइस, 30 मिनट कम्प्लीट हो चुके हैं, अब ये मेरे बाल वॉश करेगी। बेसिकली केराटिन ट्रीटमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जो कि सबसे पहले आपने देखा कि इसने सबसे पहले मेरे बालों में स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई की। दूसरा जो स्टेप होगा इसका ब्लो ड्राई होगा वॉश करने के बाद। थर्ड स्टेप जो होता है इसका मेन स्टेप माना जाता है, जिसे प्रेसिंग कहते हैं। प्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसमें आप जो बालों को स्ट्रेट करते हुए शेप देंगे वो एट दी एंड तक वही शेप रहेगी आपकी। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप होता है न्यूट्रलाइजिंग बाम अप्लाई करना। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल वॉश करने के बाद अब इसने ब्लो ड्राई किए हैं।
ये देख सकते हैं मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। Hey guys, this is my final Jasmine Sandals YOLO. You can see this. So, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये हेयर स्टाइल, मेरा ये हेयर कलर पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम कौन सा कलर ट्राई करना चाहिए और ये कलर मुझे सूट किया है कि नहीं। So, I am waiting for your comments. Thank you so much. मिलते हैं अगले व्लॉग में। Bye bye.
बाय।